मेरे को एक फोन मिला है मैम। हेलो गाइस, दिस इज दीपक कुमार, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग ऐसे चालू करने का, मतलब अभी बहुत लेट हो गया, बहुत जल्दी उठाऊ लेकिन बहुत लेट हो गया। कैसे हुआ पता था कि कल 7-8 बजे तक मेरा एक काम था, जो कि मैंने बोल के रखा था कि भाई कल मेरे को ये काम पहुंचवाना है वहां तक, तो वो ये काम करके रखना, ठीक है। तो भाई साहब मतलब बोलते ना एकदम 110% हो जाएगा सर एकदम हो जाएगा, और अभी 11 बज रहे हैं, सुबह में 9 बजे से लगा हूं, कहां है काम, किधर है, हो रहा है, रेडी हो रहा है बोलते ना अभी तो हाथ में है। तो उसके लिए इतना मतलब एफर्ट लगा के अभी वो काम जो है शाम को 4 बजे मतलब जाएगा जिसको देना है मेरे को। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोला यार बोलते ना आदमी कभी कभी पेशेंस लेवल कभी कभी टेस्ट करता ना, बहुत दिमाग खराब होता है, क्या करूं मैं सच्ची में, मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग लगा था मेरे को कि भाई क्या हो रहा है। कोई नहीं, अभी दिन की शुरुआत कर, नहाते धोते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। नहा धोने के बाद माता श्री तो खाना वाना खा ली हैं और अभी वो सीरियल देख रही है, पाकिस्तानी सीरियल है, क्या नाम है सीरियल, जिंदगी गुलजार है। नहीं हम नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलेगा, आप लोग को देखना, देखो नहीं देखने का नहीं देखो। कैसा है तुम्हारा तांगड़ा, थोड़ा ही ठीक है, क्या खाना तो खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, चलो अच्छा है, आज ऑर्डर कर लेते हैं जोमेटो स्विगी से। बासी खा लेना, बासी ताजा वाला खत्म। देखो भाई देखो, बहुत लोगों को बासी भी नसीब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो बासी खा लेते हैं, तो ठीक है, बासी देखा तो बासी भी खा लेंगे, क्या ही दिक्कत है, पेट भरने से मतलब है। भूख न चीने बासी भात, नींद न चीने टूटी खाट, जी बिल्कुल समझे क्या, बिल्कुल। ये अभी ना मेरे को यहाँ पे मार रही है, ठीक है, इससे पहले ना आप ये सोच लो कि सेकंड डोज पहले किसका आने वाला है, देख लेकिन अभी तू मस्ती करेगी, तेरा सेकंड डोज आ रहा है तो तुम्हारा भी आएगा। सुबह से काम ही कर रहे थे तो अभी लैपटॉप बंद किया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं 4:10 हो गए हैं, तो अभी जाके लंच करते हैं, उसके बाद फिर शायद कुछ प्लान किया है अभिषेक ऋषिकेश के यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन ठीक है, अगर बारिश बहुत तेज हो रही थी अभी थोड़ा टाइम पहले, लेकिन तो फिर देखते हैं, आज नहीं तो कल बनेगा वो चीज, कोई नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 बज गए हैं, भाई साहब यही प्रॉब्लम हो रहा है, जब से मतलब इंजेक्शन लगवाया है तो क्राइसिस हो जा रहा हूँ, मतलब अच्छा सोना तो अच्छा ही है, बेहतर है, तो बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है तो सोते हुए आएगा तो बेहतर रहेगा, तो वही है, तो कुछ नहीं अभी फ्रेश होते हैं। भाई साहब डैडी को अभी रोड पे वाला फ़ोन मिला है, कुछ सा है ये, एक मिनट, तो ये पोको का कोई तो फ़ोन है ये मिला है, तो ये फ़ोन है, कुछ अभी चार्जिंग वार्जिंग कुछ है नहीं, तो अभी रोड पे पाए हैं तो ला के चार्जिंग लगाता हूँ, थोड़ा टाइम चार्ज होने का चालू करता हूँ, क्योंकि क्या सामने वाला ओनर तो फ़ोन कर ही रहा होगा, नंबर पे मिलेगा, मतलब फ़ोन के बिना कोई नहीं रह सकता है इस टाइम पे, तो फ़ोन कर रहा होगा तो फटाफट चार्जिंग पे लगा के उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है, बोल दूंगा भाई आके ले लो, क्या ही कर सकते हैं अभी, किसी को वहाँ पूछने से बेटर है कि मतलब मेरे पास आ जाए, मतलब घर पे आके फिर वो सामने से ओनर का कॉल आके किसी को पूछो भाई बोल दे मेरा है तो भाई उसको दे दो तो फिर वो घुमा देगा फ़ोन, तो वैसा होता है। पिछले आधे घंटे से मोबाइल तो चालू हो गया है, पिछले आधे घंटे में वेट कर रहा हूँ कि कोई फ़ोन करे भाई कि ठीक है भाई लेके जाओ अपना मोबाइल लेके जाओ जिसका भी है, तो फ़ोन तो अभी तक आया नहीं है, देखते हैं फिंगर्स क्रॉस, तो तब तक खा पी लेते हैं, कुछ नहीं है, मेरे को लगा कि कोई आएगा तो देखे फिर उसके बाद अपना आगे का काम बढ़ाते हैं, लेकिन कोई कॉल ही नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं, रखा है इसको फ़ोन इधर ही भाई, करीब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया भाई फ़ोन चालू करके, मतलब कोई फ़ोन कर ही नहीं रहा, तो भाई अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, खाली इसमें का जो मतलब मैंने देखा इसमें मेमोरी कार्ड है उसमें निकालूंगा, उसमें से यार कुछ डिटेल मिला तो आई विल कॉल, नंबर तो मतलब लॉक है फ़ोन, तो कुछ मिल रहा नहीं है भाई, देखो यार मतलब मेरे को देने का है तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत मतलब टेंशन आ रहा है, तो कोई नहीं अभी कॉल लगाते हैं देखते हैं। हेलो जी मैम, एक्चुअली ना ये ना मेरे को एक फ़ोन मिला है मैम, सो वो फ़ोन हेलो एक मिनट मैम हेलो। हाँ मैम, कि एक्चुअली कैसे है ना कि कम से कम 1.5 घंटे से मेरे पास फ़ोन है, तो आई एम सॉरी मैंने आपका मेमोरी कार्ड निकाल कर उसमें से सब मैंने चेक किया तो मेरे को ये नंबर मिला, दैट्स वाई आई कॉल्ड यू, तो ये फ़ोन मैम मेरे पास है और ये मेरे डैडी को मिला था घाटकोपर में, तभी स्विच ऑफ था, तो अभी घर पर लेके आए हैं, थोड़ा टाइम हुआ तो मैंने चार्जिंग करके अभी चालू किया है, बट अभी तक किसी का कॉल नहीं आया, तो दैट्स वाई आई कॉल्ड यू, तो ये आप जिसका भी है उसको बोलिए ना मेरे को कॉल करने के लिए प्लीज़।
ओके प्लीज मैम भाई अपना काम तो हो गया है ना, अपन सेफ देने का भाई, पता नहीं किसका फोन है क्या है, अपने साइड से सेफ देने का। बात हो गई है मोबाइल ओनर से, तो जिसको मैंने कांटेक्ट किया तो किसी और का नंबर था, तो उसके थ्रू नंबर देके मैं वो कॉल किया, तो पहले कॉल किया उन्होंने तो बोलते हैं जो मोबाइल है वो मेरे को लाके दे दो यहाँ पे। मैं बोला अबे साले क्या तुम कह रहा मोबाइल तुम आके लेके जाओ, तो कोई नहीं वो बात होगी कल आके लेके जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करेंगे, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बड़ों को रिस्पेक्ट करो, जो रिस्पेक्ट का उनकी रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं, माता पिता के साथ हो, छोटों का सपोर्ट करो, छोटों गाइड करो, बहुत सारे पैसे कमाओ, मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस।